जिला के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गांव के लोगों ने सचिव रामाश्रय उपाध्याय पर 60 लाख से भी अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गांव के ही निवासी प्रदीप शर्मा ने अपने ग्राम पंचायत सचिव पर कई लाख रुपए बंदर बांट करने का आरोप लगाया है और कार्यवाही करने के लिए जनपद पंचायत हनुमाना के CEO अजय सिंह को शिकायत पत्र भी दिया है। जनपद पंचायत CEO के जांच के लिए उपयंत्री को निर्देशित किया है और जांच के एक हफ्ते के अंदर जांच प्रतिवेदन मांगा है। एक और जहां सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के नाम पर नोएडा में बनी 800 करोड़ की बिल्डिंग को कुछ सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर रीवा जिले के ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा सचिव या सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच पर कार्रवाई करने की शिकायत की जाती है तो उसमें भी हिलावाली कर दी जाती है। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रदीप शर्मा ने अपने ग्राम पंचायत सचिव पर 60 लाख रुपए से भी अधिक रुपयों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। जांच पर कार्रवाई करने के लिए शिकायतकर्ता ने रीवा कलेक्टर, जिला पंचायत CEO, जनपद पंचायत CEO और कई बार शिकायत पत्र सौंप चुका है, लेकिन अब तक भ्रष्टाचारी सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आरोप है कि ग्राम पंचायत में बने शासकीय हाई स्कूल कन्या में बाउंड्री वॉल तो नहीं बनाई गई, लेकिन बाउंड्री वॉल के नाम पर 3 लाख रुपए निकाल लिए गए के साथ ही साथ कई काम ऐसे हैं जो जमीनी स्तर में कराए ही नहीं गए, लेकिन उसके पैसे निकाल लिए गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस भ्रष्टाचारी सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हनुमाना जनपद पंचायत के CEO अजय सिंह से उपयंत्री को शिकायत पत्र के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और उपयंत्री से 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन मांगा है। जनपद CEO का कहना है शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमाना, जनपद पंचायत हनुमाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम पंचायत खटखरी में भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आवेदन पत्र दिया था माननीय श्री जिला कलेक्टर महोदय को 10 तारीख को 10/8/2022 को, और जिला CEO जी को मैंने 4/8/2022 को ये शिकायत पत्र में दिया था। इसके बाद मैं हनुमाना SDM महोदय अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना को 17/8/2022 को ये पत्र दिया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये स्कूल के प्रिंसिपल का लिखा हुआ पत्र भी है कि वहाँ ना बाउंड्री बनाई गई अभी और ना ही पेवर ब्लॉक लगा। ऐसी 5-6 बिंदुओं मैंने शिकायत की है। पहली है बाउंड्री वॉल निर्माण कन्या हाई स्कूल परिषद में, जिसमें 3 लाख रुपए आहरित कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है। और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य हनुमाना कन्या हाई स्कूल पार्ट 2 में 8.5 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि 40% के लमसम काम हुआ है। और इसी तरह सुक्ता गड्ढा में 3 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि मतलब फील्ड में कोई काम वहाँ है ही नहीं। और इसी तरह से नाडे टाका में अधूरा कार्य है, जिसमें छपाई वगैरह नहीं हुई है, और कुछ जितने मात्रा में बनने थे जिस हिसाब से पैसे निकले हैं, अगर आज जांच कराई जाए तो नहीं बने हुए हैं। और फिर इसके बाद पांचवा बिंदु है हमारा मोटर पंप क्रय में इन्होंने 5,70,000 रुपये आहरित किया, जो कि क्रय भंडार से ये अत्यधिक है, जो शासन का रूल है उससे अत्यधिक पैसा बगैर TS वगैरह के निकाले हैं, जिससे जब जांच होगी तो खुद ही स्पष्टीकरण हो जाएगा। यह प्रदीप शर्मा और एक दो लोग और आए थे, उन्होंने खटकरी ग्राम पंचायत के लिए यह एक पत्र दिया है और शिकायत किया है 4-5 कार्यों के लिए। तो हमने श्री वैभव मिश्रा उपयंत्री को
वह दे दिया है, एक सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देंगे। मैंने यही शिकायती आवेदन ही आया है, अभी उसको जांच कर लेते हैं। अगर सचिव दोषी होगा तो उसके लिए उसके जगह दूसरे सचिव के लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाए।